गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन लोगारिथमिक फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. ओके, सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन? दिस इज इफ आई टू द पावर अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा, देन वी हैव टू प्रूव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 4n प्लस 1 पाई बीटा. रिमेंबर दिस, हियर इज n. ओके, सो जब भी हम लोग लॉग लेंगे तो उसका लॉग कैसा लेंगे? जनरल वैल्यू वाला लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. I टू दी पावर अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा इट इज़ गिवन टू यू. बेसिकली आपको करना क्या, जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे को अल्फा की और बीटा की वैल्यू चाहिए. अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो आप उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे. सो दिस इज़ योर एम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. ओके, एंड दिस इज़ गिवन टू यू. सो फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स एंड जनरल लॉग लेना आपको. सो दिस इज़ नथिंग बट लॉग ऑफ आई टू द पावर अल्फा प्लस आई बीटा, राइट? This is goes to log of alpha plus I beta, right? So this is nothing but alpha plus I beta सामने आ जाएगा, alpha plus I beta into log of I equals to this is log of alpha plus I beta same. Okay, क्लियर? तो अगर मैं log यहाँ से हटाऊँ तो ये सारा पूरा एक्सपोनेंशियल e टू पावर में चला जाएगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड से लॉग हटा रहा हूँ. तो लॉग हटेगा तो यहाँ से क्या बचेगा? अल्फ़ा प्लस आई बीटा. ध्यान रहे, मैं लॉग कहाँ से हटा रहा हूँ? राइट साइड से. जब यहाँ से हटेगा तो ये पूरा किस में चला जाएगा आपका? ई टू पावर में. सो दिस इज ई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इनटू लॉग आई. ठीक है, इसको आप फर्स्ट बोल दीजिए. अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए लॉग आई की. ओके, तो लॉग आई बिल्कुल आप वहाँ पीछे चले जाइए जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया था. तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? मैं मान लेता हूँ लेट जेड इक्वल्स टू क्या है? आई है. और आई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ज़ीरो प्लस वन इंटू आई. तो आपके पास में यहाँ अगर इसको एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो, वाई की वैल्यू वन. ओके, अब मुझे मोड जेड भी चाहिए. मोड जेड चाहिए तो मुझे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब ज़ीरो प्लस वन दैट इज सेम वन, राइट? और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए थीटा. तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? टेन इनवर्स वाई बाई एक्स. तो वाई की वैल्यू कितनी है? वन. तो वन बाई ज़ीरो. ओके, तो टेन इनवर्स कितना हो गया? बेसिकली टेन इनवर्स हो गया इन्फिनिटी. और टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? दैट इज़ नथिंग बट पाई बाई टू, राइट? कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा. तो आपके पास मोड जेड की वैल्यू भी आ गई, थीटा की वैल्यू भी आ गई. अब हम क्या जानते हैं? वी नो दैट लॉग ऑफ जेड इक्वल्स टू लॉग ऑफ मोड जेड प्लस आई. अब क्योंकि मुझे जनरल वैल्यू ली है, थीटा प्लस टू एन पाई, राइट? तो आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए. सो दिस इज लॉग जेड, मैंने क्या लिया था? आई. लॉग ऑफ मोड जेड की वैल्यू कितनी आई? वन प्लस आई. थीटा की वैल्यू कितनी आई? पाई बाय टू प्लस टू एन पाई, राइट? तो लॉग वन कितना हो गया आपका? लॉग वन हो गया ज़ीरो प्लस आई. इसका आप एलसीएम ले लीजिए. तो पाई प्लस टू टू जा फोर एन पाई डिवाइडेड बाई टू, राइट? तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? पाई कॉमन ले लीजिए. तो कितना बचा? आई फोर एन प्लस वन पाई बाई टू. तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? लॉग आई की. दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग आई से दिस इज टू. ओके, नाउ यूजिंग टू इन फर्स्ट, यूजिंग टू इन फर्स्ट में यूज कीजिए. वी गेट क्या मिलेगा आपको? अल्फा प्लस आई बीटा. ओके, अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर क्या था आपका? अल्फा प्लस आई बीटा. थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, आपको समझ अच्छे से आ जाएगा. लॉग आई की वैल्यू आपने निकाल ली है. यहाँ पर क्या निकाली है? आई फोर एन प्लस वन पाई बाई टू, राइट? अब इसमें बड़ा आसान सा सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा सा देख के करेंगे. ई टू दी पावर पहले आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई अल्फ़ा राइट। फिर आएगी हम मल्टीप्लाएंगे आई स्क्वायर दैट इज माइनस, तो माइनस बीटा और बाकी सेम चीज ऐसे लिख देना 4n + 1 π/2 राइट। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए जो ऊपर लिखा हुआ है, तो e टू दी पावर तो क्या हो जाएगा, सेपरेट कर लीजिए i अल्फा इंटू 4n + 1 π/2 राइट माइनस बीटा 4n + 1 π/2। तो इनको दोनों को सेपरेट करके कैसे लिख लेंगे, सेपरेट करके लिख लीजिए e टू द पावर माइनस बीटा 4n + 1 π/2 ऐसे इनटू e टू द पावर i अल्फा 4n + 1 π/2 राइट। ठीक है, ये आपने पहले लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया तो ये सेम चीज़ ही है। अब इसको अब हमने क्यों सेपरेट किया, ई टू पावर आई थीटा फॉर्मूला लगाने के लिए। सो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस बीटा 4n + 1 π/2 इंटू, अब ई टू पावर आई थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए तो वो क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा ये पूरा। सो दिस इज अल्फा 4n + 1 π/2 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन 4 अल्फा 4n + 1 π/2 राइट। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा, ये आपको पता होगा। बस अब यहाँ से क्या कराना, कंपेयर करा लीजिए, तो कंपैरिजन कराएंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, क्या मिलेगा आपको, ये चीज़ तो दोनों में कॉमन है। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ई टू द पावर माइनस बीटा 4n + 1 π/2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा 4n + 1 π/2। अल्फा की वैल्यू आ गई, सेम ऐसे बीटा की लिख लीजिए आप, बीटा क्या आ जाएगी e टू द पावर माइनस बीटा 4n + 1 π/2 इंटू, नीचे है ध्यान रखना ऊपर मत लिख देना, साइन ऑफ अल्फा 4n + 1 π/2। ये चीज़ समझ में आ गई, ये आपको इसको थर्ड बोल सकते हो और इसको आप फोर्थ बोल दीजिए। तो आपके पास में अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ई टू पावर माइनस 4n + 1 पाई बीटा। तो LHS आप ले सकते हैं, ठीक है, तो आप LHS ले लीजिए राइट। तो LHS क्या आपका, LHS लिया आपने, LHS दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप यूज़ कर लीजिए थर्ड और फोर्थ को जो मैंने अभी अभी नाम दिया था। तो अल्फा स्क्वायर मतलब ई टू द पावर माइनस बीटा 4n + 1 π/2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा 4n + 1 π/2 तो इसका स्क्वायर राइट प्लस बीटा का स्क्वायर, तो ई टू पावर माइनस बीटा 4n + 1 π/2 इंटू साइन ऑफ अल्फा 4n + 1 π/2 इस पूरे का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर आप खोल दीजिए, जब इसका स्क्वायर होगा तो देखो ये 2 2 कट जाएगा, तो कितना बचा e टू द पावर माइनस बीटा 4n + 1 पाई बचेगा, π/2 है ना, तो ये 2 कट जाएगा इससे और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा 4n + 1 π/2 ठीक है। और ये चीज़ क्योंकि दोनों में है, आप चाहो तो इसको बाहर कर सकते हो, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ और प्लस यहाँ से क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा 4n + 1 π/2। समझ में आया, मैंने एक स्टेप यहाँ थोड़ा सा आगे कर दिया है, पहले ये लिखना था पर मैंने दोनों, क्योंकि दोनों में है ये, तो मैंने इसको कॉमन रख लिया। तो कॉमन में क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ई टू पावर माइनस बीटा 4n + 1 पाई राइट। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सो दिस इज ई टू पावर माइनस बीटा 4n + 1 पाई इंटू कितना हो गया 1 राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस जैसा आपको दिया हुआ है प्रूफ में 4n+1 पाई बीटा. दिस इज योर RHS, राइट? दिस इज योर RHS, हैंस प्रूव्ड. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए प्लीज़ और शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छा रहेगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू वेरी मच.